मुजफ्फरनगर में छात्रा को थप्पड़ मारने के मामले में ताजा घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि राज्य सरकार ने घटना के बाद अपेक्षित तरीके से कार्रवाई नहीं की। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइया की खंडपीठ कार्यकर्ता तुषार गांधी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें घटना की उचित और समयबद्ध जांच की मांग की गई। वर्तमान मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में प्राथमिक विद्यालय की टीचर द्वारा स्कूली बच्चों को अपने मुस्लिम सहपाठी को थप्पड़ मारने का निर्देश देने के संबंधित है, जिसका वीडियो अगस्त में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से हलफनामा दाखिल करने को कहा था कि वह पीड़िता की काउंसलिंग के संबंध में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज या TISS की सिफारिशों को कैसे लागू करना चाहती है। इस निर्देश के अनुपालन में शिक्षा विभाग ने अतिरिक्त हलफनामा दायर किया। खंडपीठ ने इसका खुलासा किया, हालांकि वकील शादान फरासत ने विभाग की प्रतिक्रिया को अपर्याप्त बताया। उन्होंने कहा, मैंने हलफनामा देखा कि मुझे यह कल ही मिला है, मेरे सम्मान पूर्वक निवेदन के अनुसार यह अपर्याप्त है। जस्टिस ओक ने जवाब में वकील से याचिकाकर्ता के सुझाव उत्तर प्रदेश की एडिशनल एडवोकेट जनरल गरिमा प्रसाद को लिखित रूप में भेजने को कहा। ये पूछे जाने पर कि क्या बच्चा अभी भी उसी स्कूल में नामांकित है, एजी प्रसाद ने कहा कि उत्तरदाता शुरू में CBSE बोर्ड के तहत इस प्राइवेट स्कूल में उनके प्रवेश की सुविधा के लिए अनिच्छुक है, क्योंकि स्कूल दूर है। इस मौके पर जस्टिस ओक ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए टिप्पणी की, यह सब इसलिए होता है क्योंकि राज्य वह नहीं करता जो इस अपराध के बाद करने की अपेक्षा की जाती है। अंत में सुनवाई 6 फरवरी तक के लिए स्थगित करते हुए खंडपीठ ने कहा, शिक्षा विभाग द्वारा अतिरिक्त हलफनामा दायर किया गया, जिसमें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज द्वारा की गई सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए सुझाव शामिल है। याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित वकील बच्चे के माता पिता से परामर्श करना, इस पहलू पर उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित वकील को सुझाव देने के लिए स्वतंत्र है। 9 फरवरी को सूची दें, जब हम TISS द्वारा सिफारिशों के क्रियान्वयन पर पक्षों को सुनेंगे। मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव खुब्बापुर स्थित नेहा पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य तृप्ता त्यागी ने कक्षा 1 के छात्र को दूसरे छात्रों से थप्पड़ लगवाए थे। 25 अगस्त को ये वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ तो मामले ने तूल पकड़ लिया था। राजनीतिक दलों ने इसे खूब उछाला था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज़।